अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। कैसे जा रहे हैं आपके रमज़ान? आज माशाल्लाह माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, बिज़ी हैं, क्योंकि अफ्तार की भी तैयारी करनी होती है, सहरी से फारिग, और बच्चों के स्कूल तो अभी खुले हुए हैं, बच्चों के स्कूल नहीं बंद हुए। मदर्स के लिए तो ये प्रॉब्लम है कि सहरी में काम करें, फिर बच्चों के लिए 7 बजे उठें, उनको स्कूल भेजें, उसके बाद जो है अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दें, रेस्ट का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ मैं आज बनाऊँगी पालक के पकौड़े, क्योंकि मेरे यहाँ आलू के पकोड़े, पालक के पत्ते जो है इनको अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि बहुत मज़ेदार से चौड़े चौड़े फ्रेश पालक के पत्ते मैंने मंगवाए थे और साथ ही एक शिमला चिकन ब्रेड बॉल्स मैंने बनाने थे, और मैंने बहुत मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी देखी थी, मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करूँगी। और पहले मैंने फ्रूट चाट की कटिंग कर ली थी, खरबूज़ा लेकर आए थे और थोड़े एप्पल थे, चीकू थे और केले थे। तो इसमें मैंने ना थोड़ी सी फ्रूट चाट बनानी थी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनानी थी, फ्रूट चाट की पहले कटिंग की और उसके बाद मैंने जो है सारी कटिंग फ्रूट्स की कर ताज़ा ताज़ा मैंने सबसे पहले फ्रूट चाट इसलिए कट करके रख दी थी ताकि ठंडी हो जाए फ्रिज में, बहुत मज़ेदार से एक दही बड़े और फ्रूट चाट जो है फ़ौरन से पहले आप कट करके और उसको फ्रिज में रख दें। हमारे ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने आपके साथ पूरी फ़र्स्ट रमज़ान को पूरी रेसिपीज शेयर कर दी थी। अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा पकौड़े होते हैं और फ्राई चीज़ें होती है, समोसे रोल, यही अमूमन होता है, चने की चाट वगैरह होती है, फ्रूट चाट होती है। तो आप इसकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, तो झटपट झटपट से रमज़ान रोज़े की तैयारी हो रही थी। अच्छा, ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड कर दिया था, शुगर मैं बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि मैं रमज़ान में थोड़ी सी डाइट भी कर लेती हूँ, इसी बहाने चलें आपकी डाइट भी हो जाती है, इबादत भी हो जाती है, हर काम आप रमज़ान में इजीली करते हैं। तो मैं सहरी तो बहुत हल्की फुल्की सी ले रही हूँ, दही और मैं खजूर खा रही हूँ, और इसमें मैं फ्रूट चाट खाऊँगी, फ्राई चीज़ें थोड़ी बच्चों के लिए मैंने बनाई हैं, अपने लिए तो मैं दही फुल्की बना लेती हूँ, या थोड़ा सा दही बड़े हो जाए या फ्रूट चाट हो जाए, और शरबत मैं दूध वाला शरबत रख रही हूँ ताकि बच्चों के लिए भी इसी बहाने बच्चे जो हैं दूध और तुक मलंगे वाला शरबत शौक से पी लें, किसी बहाने तो बच्चे दूध पिए हैं, मेरे बच्चे इतने शौक से दूध पीते नहीं हैं, इस वजह से मैं जो हूँ हेल्दी आइटम्स रख रही हूँ ताकि बच्चे शौक से खा लें। अच्छा, रेसिपी आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, मैंने इसमें मेयोनेज़ लेना था, 2 टेबलस्पून जितना मेयोनेज़, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ली थी, बॉयल चिकन इसमें मैंने डाल दी थी, कैप्सिकम थे, शिमला मिर्च, एक पूरी मैंने इसको बारीक चॉप करके वो डाल दी थी, और स्पाइसेस की जो वीडियो है ना वो मेरे से बन नहीं सकी, तो इसमें मैंने लाल कुटी मिर्ची डाली थी, ब्लैक पेपर डाला था, सॉल्ट डाला था और सोया सॉस डाला था। इनको तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से चिकन के अंदर मिक्स कर और इस तरह करके मैंने ब्रेड्स के जो है ना कॉर्नर्स कट करे थे। ब्रेड के जब कॉर्नर्स कट कर लिए, उसका मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, और बाकी को मैंने ब्रेड को हल्का हल्का पानी में डिप करके और इसके अंदर जो है सारी चिकन की फिलिंग कर ली थी और बहुत मज़ेदार से बॉल्स रेडी कर लिए थे। ये देखिए माशाल्लाह से सारे बॉल्स जो रेडी हैं, ऊपर से मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली थी और बॉल्स रेडी करके मैंने फ्रीजियर में रख लिया था। ये जोहर का टाइम था, इसमें मैंने 12 से लेकर 1 बजे तक अपने 3 आइटम जो है वो ख़त्म कर लिए थे। अब जो है असर के बाद का टाइम है, क्योंकि रोज़ा खुलने से आधा एक घंटा पहले भी मैंने फुल्कियाँ भी रेडी कर ली थी और मैंने फ्राई करने की चीज़ें भी बना ली, झटपट सारा काम ख़त्म करना होता है ताकि जो है रोज़े से 15-20 मिनट पहले मैं फ्री होकर थोड़ी सी दुआ मांग लूँ। तो मुझे इस चीज़ का बहुत शौक़ है कि मैं दुआ बहुत शौक़ से मांगती हूँ, जिसमें मुझे 15 मिनट तो चाहिए होते हैं दुआ मांगने में। तो इसमें मैंने फुल्कियों की रेसिपी तो आपके साथ शेयर की थी, सेम एज़ इट इज़ वैसी ही रेसिपी है, हल्की सी चीनी डाली, सॉल्ट डाला और रेडीमेड दही फुल्की जो है मैंने वो कर ली थी, भिगो दी थी और उसके अंदर मैंने सारा दही ऐड कर दिया। Oh, 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 oh
यहाँ पर शरबत का थोड़ा सा प्रिपेयर करूँगी। तुकमलंगा मैंने भिगो कर रख दिया था वो, और ना मैंने जामेश्वरी वाला शरबत बनाना था। टैंग इस बार मैंने अवॉइड किया हुआ है कि टैंग मैंने नहीं बनाना। टैंग बच्चे पी लेते हैं तो उसके बाद मीठे मीठे के बाद ना कुछ खा सकते हैं तो ना कुछ पीते हैं, खाली पानी और चीनी ही जाती है टैंग में। तो इसलिए मैंने कहा चलो इस बहाने थोड़ा बहुत जो है बच्चे दूध पी लें। तो अनस को शौक़ आया था थोड़ा सा, मैंने कहा अनस आप टेस्ट कर लो, और अनस बहुत शौक से टेस्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हर चीज़ मुझे अनस को थोड़ी थोड़ी सी देनी पड़ती है, टेस्ट करवाना पड़ता है। यहाँ पर जो मेरा जो है शरबत भी रेडी हो गया था, और अब जो आएगा फ्राई का टाइम। पालक के पकोड़े इस बार मुझे बहुत मज़ेदार से लगे थे, और बेसन में मैंने कुछ भी नहीं डाला था। लाल मिर्ची, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, और इसके अंदर मैंने जो सोडा डाला था ना, सारा कमाल उसका था। तो बहुत मज़ेदार पालक के पकोड़े भी रेडी कर रही हूँ, और उसके साथ साथ जो है बॉल्स भी फ्राई करूँगी। अब ये जो है ना मैंने सारी प्रिपरेशन पहले ही कर कर रख दी। अब मैंने फ्राई करने की सारी चीज़ों को फ्राई करना है, उसके बाद टेबल सजाना है, और फिर एंड करना है वीडियो का। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। हमेशा की तरह मैं भूल जाती हूँ, एंड में याद आता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और वीडियो को एक लाइक कर दें। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, जो आप लोग जो हो उसको लाइक कर दिया करो ताकि हमें भी मेहनत का फल मिल सके। तो बाकी के जो बॉल्स हैं उसको भी मैंने जो है फ्राई करने के लिए रख दिए थे। माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी फ्राई हो गई थी, और बॉल्स ने क्रिस्पी बने थे ना कि आपको मैं बता नहीं सकती। ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, ऐसे छोटे छोटे से स्नैक्स जो होते हैं ना वो बहुत मज़ेदार से बनते हैं। तो इतना क्रिस्पीपन आया था इसमें, क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा थे, और पालक के पत्ते भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे, हेल्दी थे। तो आप बच्चों को ज़रूर खिलाएँ और बच्चे इंजॉय करें। अच्छा, सारा कुछ मैंने मीडियम फ्लेम पर बनाया था, और उसको जो मैंने निकालना था उसके लिए मैंने आंच जो है वो तेज़ कर दी थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी अफ्तार जो है वो रेडी हो चुकी थी, टाइम अपने टाइम पे बिल्कुल तैयार थी। और दुआओं में याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, अपनी बहन को भूलिएगा मत। दुआओं में याद रखिए, सबके लिए दुआएं कीजिए, मेरे लिए भी करें, मैं आपके लिए करूँ। अल्लाह हाफिज़।